सोलन में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते पहाड़ खिसक रहे हैं और दीवारें गिर रही हैं। उसके बाद शहर में एक और समस्या पैदा हो गई है। ये समस्या सोलन शहर में लगे पुराने पेड़ों की है। ये पेड़ बेहद बूढ़े और खोखले हो चुके हैं, जो कभी भी गिरकर एक बड़ी घटना का कारण बन सकते हैं। पहले तो नगर परिषद और लोक निर्माण विभाग खुद ही खतरनाक पेड़ों को चयनित कर काट देता था, लेकिन अब शिकायत करने के बाद भी नहीं काट रहा है। सोलन में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते पहाड़ खिसक रहे हैं, दीवारें गिर रही हैं। अब उसके बाद शहर में एक और समस्या पैदा हो गई है। ये समस्या है सोलन शहर में लगे हुए पुराने पेड़ों की। ये पेड़ बेहद बूढ़े और खोखले हो चुके हैं, जो कभी भी गिरकर एक बड़ी घटना का कारण बन सकते हैं। पहले तो नगर परिषद और लोक निर्माण विभाग खुद ही खतरनाक पेड़ों को चयनित कर काट देता था, लेकिन अब शिकायत करने के बाद भी नहीं काट रहा है। ऐसा ही पेड़ जोड़ा जी सड़क पर स्थित है, जो बेहद बूढ़ा हो चुका है और गिरने की कगार पर है। स्थानीय लोगों ने इस पेड़ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये पेड़ सड़क के किनारे लगा है और बेहद झुक चुका है और गिरने के कगार पर है। ये पेड़ अब एक मकान के सहारे टिका हुआ है। अगर तेज हवा चलती है तो ये पेड़ कभी भी गिर सकता है। अगर ये पेड़ गिरेगा तो बिजली की तारें भी इसकी जद में आ सकती हैं। वहीं पैदल चलने वाले लोगों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। उन्होंने बताया कि इस पेड़ के बारे में वे विभिन्न विभागों में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन शायद सभी विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार में हैं। लेकिन बड़े हादसे के बाद जागने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि वे इस पेड़ को जल्द कटवाएं, ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके। ये जो पेड़ है पीछे, इसकी बहुत कंप्लेंटें दे रही है, गिर रहा है, कभी भी गिर सकता है, जान माल की नुकसान हो सकता है। गाड़ी क्रॉस करती, स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, तो 1.5 साल से क्या एप्लीकेशन दी हुई है, अभी फ्रेश एप्लीकेशन दी 13/6 को SDM साहब को, तो उन्हें कहा था इमीजिएट एक्शन हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं पूछता है। जब मिस हैपनिंग हो जाती है तो सारी सरकार भागती है, एडवांस में कोई हेल्प नहीं करने को तैयार होता है। बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है, कभी भी गिर सकता है। देखो कितना सूख गया है पेड़, और मकान के ऊपर स्टे कर गया है, बिल्डिंग ने पेड़ को रोका हुआ है। अगर जरा सा भी कुछ होगा तो सारे जितने जो कोई गाड़ी आ रही है जा रही है, तो कोई मिस हैपनिंग ऐसी हो जाएगी, फिर जनता प्रशासन भागेगा। ये हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि इसको इमीडिएट एक्शन लिया जाए, इसको यहाँ से रिमूव किया जाए। और ये जो पेड़ लगे हुए हैं, जिसमें सारे पेड़ यहाँ खतरनाक हो चुके हैं, कोई छटनी उटनी भी नहीं हो रही है उनकी, और ये जो पेड़ है ये खास करके ये बिल्कुल झुक गया है, और किसी भी टाइम किसी भी मनुष्य के या किसी यात्री या किसी सामान पर गिरेगा तो उसका पूरा नुकसान हो जाएगा। और बिल्डिंग से लगा हुआ है पेड़ झुक के, जिसके कारण इसको पहले भी हम लोग ने जाके SDM साहब को दिया था, उन्होंने कहा था ये तुरंत कट जाएगा, किंतु अभी तक काटा नहीं गया, जिससे आप प्रशासन से अनुरोध है कि इसको काटा जाए और बाकी जो पेड़ हैं उनको छांग दिया जाए, जिससे कि कोई हादसा ना हो सके। और इसके ऊपर से बिजली के तार और सारे गए हैं, यदि कोई डाल भी टूटती है तो उससे करंट से भी कोई ना कोई आहत हो सकता है या कोई जान माल का खतरा हो सकता है। अभी से ध्यान दिया जाए जिससे कि जान माल की रक्षा की जा सके। मैं जितेंद्र सूद जौनाजी रोड का निवासी हूं। मेरी सरकार से यही दरखास्त है कि इस पेड़ को काटा जाए। इस पेड़ से बड़ी परेशानी हो रही है, लोग यहां स्कूल के बच्चे खड़े रहते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, कल को पेड़ गिर जाए कौन जिम्मेवार होगा इसका। और सरकार से यही दरखास्त है कि इस पेड़ को जल्द से जल्द काटा जाए और हमारी समस्या का समाधान हो जाए। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।